फोनी बात्या को बीतला दुई वर्षर अधिक समय हेले एजाए क्षतिग्रस्त को मिलनी सहायता राशि फल पिपिली तहसिल ऑफिस आगे धारणा में बसिंट क्षतिग्रस्त शीत राति लोके घर बाहर नेले न्याय और प्राप्य धारणा में बसिंट से अभोग फोनी बात्यार घर भांगी जा प्रशासन तरफ आंशिक सहायता राशि 32,000 टंका पाइछन्ते एबे बात्या क्षतिग्रस्त घर माटी रे मिसिगला हेले पिपिली तहसिल पक्षर 95,100 टंका संपूर्ण सहायता राशि दि जाइथिबा दर्शाई सहायता राशि फेरस्त करबा पई निर्देश आसिछि। ए बाबत रे पूरे जिलापाल लोकायुक्त एवं मुख्यमंत्री दफ्तर में लिखित अभियोग करथिले परवर्ती समय रे पिपिली तहसिलदार को समाधान पई निर्देश आसिथिला हेले तहसिल कार्यालय को दौड़ी दौड़ी नयांत हेलेनी तहसीलदार कथा शुणु ना सबुठ निराश होगा आज धारणा में बसिंट पूरा पर बाबत अधिक सूचना पाई मो सहित मो सहयोगी दुर्गाशेष जोड़ी रही दुर्गाशेष आम कि समय पूर्व अबडेट देखु कि शीत काकर पड़ रही सका 10 रु रात 11 पार हेला निहाति माधुरी मुझ वर्तमान अच्छी पिपिली तहसिल ऑफिस रे एवं मुझे ये अच्छी जे विकास सीढ़ीर जी शेष पहाच रे जो मनीष अच्छा जो माने होती गणतंत्र मालिक एवं जो माने हक आउ अधिकार लड़े लड़ुंट अर्घ सब सहित ढाई आईपाई मुँ आसी पहुँची पिपिली तहसिल ऑफिस रे कारण एठी हक आउ अधिकार लड़े करूँ गोटे परिवार जो मानक मुंड उपरे पक्का घर नाही टिके जदि मने पकेबा 2014 मानिफेस्टो को शासक दल बिजु जनता दल जोठी कुहा जाइथिला जे 2019 सुधा समस्त मुंड उपरे पक्का घर थिबो एवं एमानकर ए स्लोगान भी अछि जे बन्या बात्या को नाही डर मुंड उपरे पक्का घर किंतु मु देखैबि ये फैमिली 2019 रे फनी क्षतिग्रस्त मुंड उपर पक्का घर उड़ी गला चाल छपर घर उड़ीगला पलिथिन तले जीवन बीतुची सबुठ बड़ कथा जे घर तो पाइले दौड़ी दौड़ी नयांत हेले ए तहसिल ऑफिस रु जिलापाल ऑफिस सीएम को ग्रीवांस सेल एवं दौड़ी दौड़ी घर मिललानी किंतु आहुरी कहगला जे तांको अकाउंट को 95,000 टंका आसी किंतु सी मात्र 3,200 टंका पाई देखु शीत काकर रे ए परिवार एठी अच्छी तांको हक आउ अधिकार पाई एवं से माने आज दिन तमाम एठी बसछन्ति तहसीलदार को भेटिले सपन कुमार नंद पूरा घटना कौन तांको सहित किभली प्रतारित करा जाइछि ये फनी फनी क्षतिग्रस्त मानकु एवं ए प्रतारित मानक कोह केमिति ये सुनैबो राज्यवासी सुनिबे ये कोह सुनिबे नवनिर्वाचित विधायक बीजेडी रुद्र प्रताप महारथी ये कोह सुनिबे पंचायती राज मंत्री प्रताप जेना ये कोह सुनिबे राजस्व मंत्री सुदाम मरंडी आउ ये कोह सुनिबे सपन नंद जे तहसीलदार जहां का पाखु को बारंबार ए परिवार आसी आ प्रतारणार शिकार है ये प्रतारणार हिसाब निकास ये फनी क्षतिग्रस्त मुहरु सुनिबा जे प्रकृत रे से माने किभली भावे प्रभावित होती ठार शुणा मुदे देखते ये पूरा परिवार छोट पिलाटी आज्ञा शीत हो मत भी थंडा लगुच भावंतु जे शीत काकर पड़ती हक आउ अधिकार कथा कहीं शुणुना छोट पिलाटीए देखु ये स्वामी स्त्री एम ये माँ एम ए समस्ते ये अच्छा अधिकार लड़े करने कारण मुंड पलिथिनटे अच्छी आउ कि ना रिएक्शन नवा मैडम पूरा घटना कौन आप कहीं बस आज्ञा फनी घर भांगी जामको 32 टाँचा सहायता मिली आम 32 टाँचा सहायता मिल हेतु आम जा जो पंचायत बाहर कम्प्लेन करने आम भी अभियोग कलु अभियोग कि फलाफल किसी पालन तहसिल को जनइलु तहसिल भी अभियोग कलु तहसिल भी आम किसी जनइले ना आम कलेक्टर अफिश गलु कलेक्टर अफिश कहले आम तहसिल पठाई तहसिल पाक जाओ तहसिल पाक आसला तहसिल कहते आम किसी करें जाओ बारम्बार सी आमको तड़ी दिखती तापर आम गलु सीएम ऑफिस की सेठे भी आम अभियोग जनइलु लीगल को कटक हाईकोर्ट लीगल को गलु तब लोकपाल भी जनइलु तहसिल आम रिभांस आम बस अनुसरण करवा हेतु तहसिलदार आमको यही रिपोर्ट देखे तुम 95,000 नहीं चो तक जल्दी जल्दी सुझ 95,000 आपका अकाउंट को आज 32 टाँचा मात्र 32 टाँचा
किंतु तहसीलदार कहते 95,000 आज्ञा मुझे डिटेल से जानी कि छोट पाटी आज्ञा शीत हो बस बयस है कष्ट लगुच आज्ञा मो स्वामी भी डायबिटिस विकलांग मो माँ भी डायबिटिस मो पुअर भी श्वास आज्ञा मेडिसिन धरिक नहीं आई सुगार अच्छी डायबिटिस आज्ञा दरमा पाउछंती टंका दुख जणापर राजधर्म पालन कर दायित्व आपणकर आपंट मुंडे चढ़ुंट आपड़ी देखुं आपण को लज्जित हवा कथा जे गोटे भौणी तार हक अधिकार आसुची ये ये सुगार पेसेंट आज्ञा ये डिजेबुल भिन्नक्षम ये सुगार पेसेंट देखु कुनी पिलाटे छोट पिला धरिकी राति माँ बसी ये काले गोटे पक्का घटे मिल दया करूना आपण दया करूना ये हक आउ अधिकार श्रीयुक्त सपन नंद जदि आप देखुं आप उत्तर दवा कथा खाली आसिक्या कथा बुझे बट आप बुझे आपड़ परिचालित होती आउ का द्वारा एवं एटी घर मिले से जो मैंने दलय कर्मी होते हैं कि मिलनी जो मैंने हिताधिकारी आप कौन 95,000 टाँचा जाए सी तो कौन 3,200 टाँचा आप देखे कि आकाउंट स्टेटमेंट के ये ये आह्वान करूँ ये भौणी जे तांका पाखुक जाइनी आपण केबे दैछंती ए कथा आपण कहिबे रिएक्शन नबा फनी रे जते बेले घर भांगी गला केते बखरा घर थिला तापर आपण केमती चलले दी बखरा घर आइगा दी मास से हम कॉलेज घर रहिलु कॉलेज घर जे भंगा एडजस्ट पडता सिया कोने घर पक्की जरी पक्की के अछो हेने कष्ट होतबा ये ये गोटे पुओ आइगा गोटे पुओ गोटे झिया एबे पॉलिथिन तळे चलुछंती आपण पॉलिथिन तळे केते जण अछो आइगा 5 जण रहछे खरा बर्षा शीतर केमती चोड आज्ञा बर्षा पकेले जो पलिथिन चिरी जाइछि से कोन हाइछि देखछि आ छोट बाल्टी एमति थोइ के हम रहौछ आज्ञा पूरा वर्ष तमाम 2 वर्ष 2.5 वर्ष हे गेलै 2.5 वर्ष हे गेलै आज्ञा अपन जे जिल्लापाल को भेटिथिले जिल्लापाल कोन कहिले जिल्लापाल को तहसील को पठाइ दिछि तुम तहसील तो बुझि नबो आपन को पाखा पाखी आ अन्य माने घर पाइछन्ति आज्ञा घर पाइन्ति तांकर किछि हेनी से माने 95,000 से सब किए आज्ञा हम साइड लोक सब माने कौ दल रहा बड़ बड़िया पाइबा कथा नुह कि ना आज्ञा भांगी आम भाया बेस भांगे पाइगले कहीं आज्ञा कहीपरून कहीं दे भेटी ना आज्ञा तो कलेक्टर अफिस भेट कलेक्टर सारे अभियोग कर मुख्यमंत्री अभियोग करीगल अभियोग कर जानुरी 8 तारीख भी अनुकारी जाइए अनुकारी रिपोर्ट भी खपेदे आमको दे कि जनइले आपण ये बसिया निष्पत्ति कहीं आपन को आ किसी आशा विश्वास ना भरोसा ना प्रशासन उपरे सपन कुमार नंद कहतु जिलापाल कहतु मुख्यमंत्री कहतु एम विश्वास ना ना आज्ञा ना विश्वास ना आम एत बाट दौड़ 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 दौड़ी बहुत हंताश हो गलानी बहुत पैसा खर्च कल आज मूल्य आम मूल्य लगे पैसा खर्च करूँ पैसा आने खर्च मो स्वामी सेमती भोक पैसा रही डायबिटिस बाहर पड़े ये अफिश से अफिश दौड़ दौड़िका केमी कौटू आण कि घर आडजस्ट भी पकई पार्न घर तोली पार्न एपर्त है स्वयं सहायक गोष्ठी किसी लोन आने की कांथ उठे अल्प अल्प से जरी पक आप कह हाँ आज्ञा कह तहसीलदार गरीब बाप माँ कौन विचार ना टा न नहीं चोर जहाँ को लेटर टा पढ़ाऊ सी देखिकी आम चुप कि डाक लोक अच्छा इली आड़ी डाक मौसमी सत को टा आनी तो फाँकि दौच ये बड़ कथा गरीब बाप माँ कौन कल कौन कौन आज्ञा कई शुणार ना कि ना पुणी बदलामी जहाँ शुणु शुणुचु पुणी दाबी कर 95,000 टाँचा नहीं छ तुरंत सुझ कौट सुझब पिला को गीतिकी जो बरदान में पड़ा भाया पड़े कि खरा कि बर्षा आप आखिर लुह रही कौटू ढीकुंडिया बिकी टाँचा दबना कौन
ବଦଲାମୀ ତ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତମେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଫାଙ୍କି ଦେଉଛ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଫାଙ୍କି ଦେଉଛ ବୋଲି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକ କହୁଛ, ସେତିକି କଷ୍ଟ ବେଶୀ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି 11ରେ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏକ କଥା ବି ଶୁଣିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ତ ଆସିଲେ ଆମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମ ଜୀବନ ଜିଆବେଳ ପଡ଼ିଲଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଜାଗା ଇଜ୍ଜତ ମତ ରଖିବୁନି। କେଉଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କଲା ତହସିଲି, ତହସିଲଦାର ହବ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ନୃଶଂସ ଏତେ ଭାଷାଣ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭାଷା କହିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ମାଉସୀ ଇଏ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ମାନବିକତା ଥିବ, ଟିକେ ବି ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ କଥା କାଲି ବୁଝିବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କରିବା କଥା କର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷମତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଯାଇଛି, ସେମାନେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ହେଉଛି। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 95,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ 95,000 ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିଲା। ଇଏ ମାଉସୀ କାନ୍ଦିକି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଆଲ୍ରେ ଏଇଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଯେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ? ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣ କେତେ କେତେ ବାଟକୁ ଗଲେଣି, ଆଉ ସବୁଠୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଂଶିକ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି କିଛି ଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଯେମିତି ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି ଯାଇଥିଲେ, ଚେକିଂ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲାନି। ତା'ପରେ ତହସିଲକି ଆସିଲୁ, ତହସିଲରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ପୁଣି କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ବି ଗଲୁ, କଲେକ୍ଟର ବି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ RTO ବି ମଗେଇଲୁ, ଆମକୁ କାହିଁକି ଆଂଶିକ ଲିଷ୍ଟ ରଖାଇ, ସିଏ ସେଥିରେ ଲେଖିଲେ ତୁମର ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, RTO ବି କହିଲେ ଆମକୁ, ପୁଣି ଯାଇକି କଟକ ଲିଗାଲକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ବି ସିଏ ବି ପଠାଇଲେ ନିମାପଡ଼ା ଲିଗାଲକୁ, ନିମାପଡ଼ା ଲିଗାଲ ତହସିଲକି ପଠାଇଲେ, ତହସିଲ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ସେ ପୁଣି ସେଇ ବାତ୍ୟାର ପୁରୁଣା ରିପୋର୍ଟ ବି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ RI କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତୁମକୁ କିଏ କାଟିଲା, ସିଏ ବି ନିଜେ ବି RI ଏମିତି କହିଲେ ଆମକୁ, ଆପଣଙ୍କର କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କହିଲେ, ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ପାଇବାକୁ ତୁମକୁ କିଏ କାଟିଲା, ସେ ପଲିଟିକାଲ କରିକି ଏମିତି କାଟିଲେ, ଏମିତି ପଲିଟିକାଲ ମାନେ କହିଲେ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରେ ପକେଇକି ଏମିତି କରିନ୍ତି, ଏମିତି କହିଲା RI। ରାଜନୀତି ପ୍ରେସରରେ ବୋଲି କହିଲେ, କିଏ ରାଜନୀତି ପ୍ରେସର ମାନେ RI କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କୋଉ ଦଳର କି ସେମିତି କିଛି, ତ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ଥିଲା କି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କହିଲି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବି ପାଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି କିନ୍ତୁ ଛାତ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଏ ସବୁ? ଆମରି ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ସବୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଘର ଦିଆଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ବି ହେଇଛି, ଯିଏ ଶାସକ ଦଳ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ହେଇଥିବ, BJDରେ ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ମିଳିଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି, ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଇନ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗରିବମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସବୁ। କୋଉ କ୍ଲାସ୍, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ପୁଅ? ତମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଠ ପଢିବାରେ? ଏଇଠି ଏଇଠି ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ମଶା ବି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି, ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତମେ ସେଠି ଘର ନାହିଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ? ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରିବାର ଏମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଥିଲାବାଲାକୁ ହଁ, ନଥିଲାବାଲାକୁ ନା, ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଯିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଇଏ ପୁରା ପରିବାର ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ଏମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ନି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ଶ୍ରେଣୀର ଶେଷ ସୋପାନରେ ଥିବା ମଣିଷ, ଏମାନଙ୍କ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇରେ ଅର୍ଗ ସାମିଲ ହେବ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଟିକେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିପିଲିର BJD ବିଧାୟକ,
निर्वाचित होती सोशल मीडिया रे भी तांकर बहुत प्रशंसा हो सल्व कर पहुँची पार्टी आसिक कहीं पर्यटन पहुँची पारे ये परिवार ग्रीभांसेल सी एम ग्रीभांसेल ठू आरंभ करी तहसिलदार जिलापाल सी एम ग्रीभांसेल पर्यंत जा दयाकोरी टी फोन लगातु बेसी राति भी होनी 24/7 काम करेंगे लोक प्रतिनिधि आप फोन लगातु मो सहयोगी अनुरोध करी फोन लगातु रुद्र महारथी को आपण बारंबार ट्राए करंतु से जन आपण ट्राए करंतु तांकर एंगेज आसी पारे आपण ट्राए करंतु रुद्र महारथी को एथि पई जे रुद्र महारथी होचंती निर्वाचित प्रतिनिधि एमाने वोट देके निर्वाचित करचंती तांकर दायित्व तांकर काम आसी के मारे चेष्टा करंतु जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है जे तांकर निर्वाचन मंडली रो गोटे परिवार तांकर हक आ अधिकार पई लड़ाई करचंती एवं जने अस्थमा पेशेंट छोटो पिलाटीए सुगार पेशेंट डायबिटीज पेशेंट एवं जड़े बुढ़ी माँ एमाने आसिक बसिंटी जदि ताखे खबर ना ताहले ये भी विडम्बना मुझे कहबी तथ्य ताहले फनी रे पुरी जिले में 168,000 घर भांगी थिला एवं ये प्रथम घटना नुह मु ब्रह्मगिरी जा ब्रह्मगिरी रे जवाब मागुची ओडिशा करी पिपिली जा विभिन्न ब्लॉक को एवं सबुठी एक कथा सुनी जे सामने को घर मिलूना लांच मगा जा तहसिल ऑफिस रे लांच मागुचंती घर पई एवं सबुठ अभिजोग जे जीए शासक दल रे अच्छी एवं जहाँ पाखे क्षमता अच्छी इविन से योग्य न होते भी तांकु मिलूची किंतु जे योग्य तांकु मिलूना एवं ये परिवार रो कोह ये फनी प्रतारित कोह लगातु आप सपन कुमार नंदन को लगातु रुद्र महारथी बोध हुए आमको देखुंट मोबाइल स्विच ऑफ कर देखते कम से कम आपण कोठू या एक्सपेक्ट करा जाए नहीं रुद्र महारथी आपन जदि देखुंटे आपण आसिकए परिवार कथा निहाती बुझा दरकार यही जे आप निर्वाचित प्रतिनिधि आपण को वोट देखि निर्वाचित कर स्वर को आग को आणवा समस्या को बुझा आप बुझी नहांती आपण बुझी नहांती एवं आपण आसिक सहित छिड़ा है नहांती आउ एथिपाई आपण से साहस जुटे पारले नी जे फोन ने जोड़ी हेबे एवं आम प्रश्नर एवं ये भौणीर प्रश्नर उत्तर दबा पाई आपण साहस जुटे पारले नी सेथिपाई मोबाइल स्विच ऑफ कर देले आपण जने निर्वाचित प्रतिनिधि आपण मोबाइल स्विच ऑफ कर दोउछंती आपणक निर्वाचन मंडली रे जदि कोनोसी वोटर जी आपणक निर्वाचित करिछि जे मालिक गणतंत्र रे से जदि आपण को फोन करिवो कोनोसी असुविधा रे आपणक मोबाइल स्विच ऑफ ये जनप्रतिनिधि आपको व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है कृपया कुछ समय टिकिना भौणी ये भौणी तांका परिवार सहित एठी आंदोलन ने बसछंती एवं तांका नार्ज हक आउ अधिकार रो लड़ाई ये एवं से माने देखंतु ये कुनी पिलाटी देखंतु ये कुनी पिलाटी एठी मसा धूप गठने लागिछि एठी मसा कामुड़छंती एवं तांकु श्वास भी अछि आपण टिके भावंतु टिके संवेदनशील हुवंतु जिलापाल कुवंतु बा सपन कुमार नंद तहसीलदार आपण आराम से एसी रूम रे सोई पड़ी थिबे आपण आराम से परिवार सहित थिबे किंतु ए परिवार एठी कोभली भावे कष्ट रे अछि आपण बुझिया पई चेष्टा करछंती आमे आपण को भी जोगाजोग करिया पई चाहुचु आपण पब्लिक सर्वेंट आपण ए ए लोकों सर्वेंट आपण तांक काम पई अछंती टिकसदाता पैसा रे आपण वेतन पाउछंती किंतु आपण कहउछंती मुंडो उपरे चढ़नी बोली एवं ये परिवार कहउछी जे आमे 3200 टंका पाइछु ये टिकिना भौणी कहउछंती 3200 टंका आछि आपण कहउछंती 95,100 टंका आसीछि ताहाले ए टंका कुआडे गला टंका जदि तांको नारे आसीछि तांको अकाउंट डिटेल्स चेक करा जाउ से तो कहउछंती जे डिटेल्स चेक करा जाउ एवं ये गफलाती ये सांघातिक कथा जे बाकी टंका ताहले कुआडे गला काहेकि तांका मुंडो उपरे पक्का घर नाही बड़ बड़ स्लोगान दौछ जे बन्या बात्या को नाही डर मुंडो उपरे पक्का घर ए छोटो पिला को नेकी एमाने चलिबे केमते एमाने केमिति वर्षा खरा शीत को सामना करिबे एवं जो चित्र आसुतला यस अम्फान फनी पूरा धजिया उड़े देला मुंडो उपरे पक्का घर अम्फान आसिला 6,00,000 लोक इवाकुएट कल जदि मुंडो उपरे पक्का घर दे ताले काहीकि इवाकुएट कल एठी फनी सहायता काहीकि मिलूनी ना टंका मिलूची ना घर मिलूची 2.5 वर्ष हो गला आउ केते दिन लाग लागिबो मुख्यमंत्री केन्द्र को चिठी लिखुचंती 13,00,000 घर दियो तमे वेबसाइट रे दोउछ
30 लक्ष रु अधिक घर दे देछ ताहले कहा को देछ किए से योग्य हिताधिकारी भोनी नेबी आपन को रिएक्शन नेबी आपन को लागु छी जे ए योजना सब गरीब मान को पई अछि आपन मान को पई अछि किंतु आपन माने पाउ नाहंती ताले ए योजना काहे पई एवं जेहेतु आपन गरीब आपन को पाखरे क्षमता नाही सेति पई आपन को कथा के सुन नाहंती आपन केमती दुर्व्यवहार करछंती बहुत ऑफिस रे बाहर कर दोंती के बाहर कर देला आपन को आगे तहसीलदार भी निजे बाहर कर देंती कोन कहि बाहर करले कहले तुम कथा आम कि बुझ पार तुम जा कौन करिया तो करू आम जहाँ लिखिया तो तुम लिखी दे तुम जो बाकी जहाँ अच्छे लिखिया तो लिख सुक्त सपन कुमार नंद आप लज्जित हवा कथा गोटे भौणी को कहते बाहरी जा तु जहाँ करवा कथा करू सी गोटे साधारण गरीब बोली से किसी करनी आप जे प्रशासनिक बाबू बोली आपे सब क्षमता अच्छी आप सबकि दुर्व्यवहार प्रदर्शन करेंगे कितु से भौणी गरीब बोली से चुप रही से किसी करें भावुंट आप भूल भावुंट ये हक अधिकार आप दया करूना आप निज हाथ रू दौना व्यक्तिगत भाव दौना ये हक आधिकार योजना क्या ये मानी मौसी केते सब कष्ट घर ना मुंड शीत होषा होोरे वर्षा लघुचाप बात्या भय मझे पुणी बात्यार भय आसला केमती सब रही मौसी सब स्कूल बातिया बोले घर सब भागल स्कूल रे दुमास रही स्कूल पुणी मास्टर मैंने बाहर करदे से जरी पक रे कौट रोच आपल जा देखिए किंतु ता घरे के ना से बुढ़ी अच्छी ता झीटी अच्छी आप देखिए से कौ स्टेज अच्छी जेहेतु आपण आखिर लुह रही सहित रोच पॉलीथिन तले वर्षा होषा आस डर लगुचे आराम से बाबा रे तू सोई पड़ तक घोड़े दिन स्वेटर पिन दे ठंडा लगुच स्वेटर पिन दे स्वेटर पिन दे सिक्त रुद्र महारथी आप मोबाइल स्विच ऑफ कर देले आम बारंबार ट्राई कर टिके देखंतु ए कुनी पिला को देखंतु शीतरे अस्थमा पेशेंट श्वास अच्छी देखंतु ठंडा रे बिचारा थरुची एवं ये बाबूंर सुगार अच्छी ये टिकना भौणी माँ पूरा परिवार आसिक हक अधिकार लड़े कर आसिले आसिले फोन टा भी उठेगार सस्वास कर पारे जे फोन टा उठेकि तो कही पारे जे मु तुम सहित अच्छी एतिक तो कही पारि था जीवी देखा करी और तुम समस्या समाधान करी एति साहस जुटे पारे आपड़ विधायक आपण बापा यू बारंबार निर्वाचित होती आपण को ये लोक विश्वास भरोसार सहित भोट देखिए निर्वाचित करती साहस जुटे पार ना आपकी सामना करेंगे केमती करेक्ट बोध हुए से देखु थे से साहस को जुटे पार ना कथापी से मोबाइल स्विच ऑफ करदे जदि जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि जनक कल जीव मोबाइल स्विच ऑफ करदेव ताहले तार भोटर माने जो माने सुविधा असुविधा थे से जोगाजोग करें ये तो महंत मंडल ये मुखिया को देखा करें निर्वाचित प्रतिनिधि को देखा करें गुहारी जन पारे समस्या कही पारे से भोट देकर निर्वाचित कर प्रशासनिक अधिकारी माने शासक दल एजेंट साजुंट ये अभियोग बारंबार आसुची जो माने शासक दल नेता विधायक कर्मी रेफरेन्स सेमानंक इशारे घर दि जाऊँगी किंतु जो माने योग्य ए टिकना भौणी भाया योग्य हिताधिकारी मुंड पक्का घर टीए ना ताल 30 लक्ष पक्का घर क्या देच पंचायती राज मंत्री प्रताप जेना आप उत्तर दिंतु 13 लक्ष घर पर मुख्यमंत्री केन्द्र को लिखिंट डिसेम्बर मस रहा डिसेम्बर मस रे 8 लक्ष घर केन्द्र सांसन कर बड़ कथा हो जिते बड़े भी फार बात्या आसुची लक्ष लक्ष लोक इवाकुएट करदी मुंड पक्का घर ताल स्थानातर कहीं कोविड टाइम रे ये कोविड रो भी आशंका अधिक जोटा बालेश्वर है अम्फान गला
ସେଠି କୋଭିଡ଼ ବି ଦେଖାଗଲା କାରଣ ଏକାଠି ରଖାଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବାରର ନୁହଁ ଏଠି ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଆମେ ବି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ମହାପଞ୍ଚାୟତ କରିଛେ ଏଠି ଜବା ମାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା କରିଛେ ଏ ପୁରା ପିପିଲିର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଏ ଆବାସକୁ ନେଇକି କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଫନି ପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପିପିଲିବାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫନି 2019 ଆସିଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ଚାରି ଚାରି ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଜଣିଆ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ କମିଟି ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ 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 ଚାରିଥର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଲା ସେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରାହେଲା ପୁଣି ତାପରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାର ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା 95,100 କେମିତି ଭୁଲ ଭାବେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଳାଉଛି ପୁଣି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ମଗାଯାଉଛି ଚିଠି କରାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କେଉଁ ତାଳମେଳ ନାହିଁ କିଏ କାହା କଥାରେ ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି କୌଣସି ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବିପନ୍ନମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଶାସକ ଦଳର ମାନେ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରିବ ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଯିଏ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ଜଲ୍ଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତିନି ନିରପେକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏଠି ଯେଉଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସପନ କୁମାର ନନ୍ଦ ଇଏ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3,200 ଆସିଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 95,100 ଯାଇଛି ତ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିବ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କହୁଛି ସେଟା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତ ପଇସା କେମିତି କେମିତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ 3,200 ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ 95,100 ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଯାଇଛି ତହସିଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତ ପଇସା ଆସିନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଅଛି ଯେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ତ 95,100 ଆସିନାହିଁ ଆମେ 95,100 ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ କେଉଁଠୁ ଆମକୁ ତ 3,200 ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫନିରେ ଯେଉଁ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଟିରେ ମିଶିକି ଅଛି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ବର୍ଷକ ତଳେ ଯାଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶିକି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ମତାମତ ନେଉଥିଲି ସେ କିଛି ଦିନ ପର ଘର ରହୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 2 ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବେ କିଛି ପଲିଥିନ୍ ପକାଇ ରହିବା କଥା ସେ ଯାହା କହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ କି ଦେଖିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 95,100 ଗଲା ଏଠି ତ ତାଙ୍କୁ କଚା ପାର୍ସିଆଲ କାଟେଗୋରିରେ ବେନିଫିସିଆରୀ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଘର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କଚା ପାର୍ସିଆଲି ମାନେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଇଏ କେବଳ ଟିକିନା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଦର୍ଶାଯାଇ 3,200 ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି ବଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ରି ଇନକ୍ୱାରୀ ଇଟ୍ ଆସର୍ଟେନ୍ଡ ବାଇ ଦ ଟିମ୍ ଦାଟ୍ ସି ହାଜ୍ ପକ୍କା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ହର୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସୋ ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ 95,100 ସୋ ଷ୍ଟେପ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଟେକିନ୍ ଟୁ ରିକଭର୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 95,100 ପେ ଟୁ ହର୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍ ଏଠି ଭଉଣୀ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଆଂଶିକ କଚା ଘର ନା ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଏ ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 95,100 ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପକ୍କା ଘର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟି ଦିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପକ୍କା ଘର କିଛି ନାହିଁ ଇନୁକାରୀ କରି ତୁରନ୍ତ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଇନୁକାରୀ କରିକି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତହସିଲଦାର ଆମେ ବି ଦେଖେଇବୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଆମେ ବି କାଲି ଦେଖେଇବା ଯେ ଇଏ ଭଉଣୀର ଘର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ତାଳମେଳ ରହୁଛି ନା ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାର୍ସିଆଲ ପକ୍କା କଚା ଘର ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ପାର୍ସିଆଲ କଚା ପାର୍ସିଆଲ କାଟାଗୋରି ମାନେ ଆଂଶିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି ତ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଠି ପୁଣି କୁହାହେଉଛି ଯେ ପକ୍କା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଇନ୍ଇଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି ସେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ନେଇଯିବା ପାଇଁ ରିକଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଏମାଉଣ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି ତ ଇଏ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାର
ता माने एमिति करिकि 30 लाखर प्रचार करछन्ति राज्य सरकार निश्चित रे जते बळे ई जो फनी सहायता दिया जाय छि जो लोकर आंशिक क्षति अच्छी विभिन्न क्षेत्र में देखी विभिन्न पिपिल डेलांग जो निर्वाचन मंडल अच्छी अनेक लोक अच्छा 3200 दि जाए कि घर संपूर्ण क्षति होती आंशिक सहायता पाई कि अनेक लोक अच्छा मैंने आंशिक क्षति घर होने कि 95,000 टाँग से अवेल कर मानते मैंने मानने ये मानने शासक दल जो मैंने समर्थन देखते जार मानने किसी खोसामती मानते अच्छी राजन सहित किसी मानने विभाग अधिकारियों सहित से पूर्ण सहायता पाई जो फनी सहायता किंतु ये रिपोर्ट सत ना ये माउसी ये भौनी एम कथ सत ये रियालीटी चेक कले जना पड़ो जदि मिछ ताने कहीं आसिक बस शीतरे काकर ये छोट पा को जार देह खराब ताकू नहीं कि बसवाई कौन भल लगुच कहीं आसिक बस मैने ये रिपोर्ट मिछ एवं एम हक अधिकार लड़े करऊसी आपण एमती बसथिबे जे पर्यंत आपनकु मिलिनि जे पर्यंत न्याय न पारिछु से पर्यंत मन बसिबु एइ मरिबु ए बदलामी टंका न नैकि चोर तेणुक त घर द्वार जाइछि बडदाण्ड जकि बदलामीटा बहुत कष्ट होउछि मासु बदलामी जो लोक लेटरटा पढौछु सेटी लोक ठिया आइति से पढिया लोकटा आमकु डाकु जाडी केसिलो माउ साडी केसिलो चुकुनि डाकुछि एति आयम बाधुछि एइ कथाटि बहुत बाधुछि माउसी लोक ना सत कहल ना शुण न कहते माउस सत कह तुम टा आकुन तो गोटे टा आकुन तो आम ये कौन तक उत्तर देवु आम तो टाटा आनु किमी कौन तक कौन भी उत्तर देवु कि सी भाई चोर टा नहीं आई फाकुंत धर्म विचार कर हे धर्म देवता तुम्हें न्याय बसी छो न्याय विभाग में तहसिलदार जड़े गरीबों बाप माँ किमिति मिछ कहिबर किंतु टंका से उठै खाइछन के खाइछन तहसीलदार निजे खाइछन अपन टंका उठै कि से खाइछन सेई खाइकि आना दैछन ठीक न संगातिक अभिजोग सिक्त सपन कुमार नंद अपन को उत्तर रखिवार आवश्यकता अछि अपन को नारे अभिजोग जे 95,100 टंका जो सैंक्शन कथा कहउछन अपन खाइछन ये अभिजोग माउसी आनुछन भोनी अपन को ए लढी जारी रहइबो आज्ञा अपन को डर लागुनी अपन एते बड गोटे क्षमता केन्द्र विरोध रे आउछन एठी लडुछन छोट पिला नै आज्ञा शक्ति कोठु आउछि आज्ञा जी से कल भल करते आम जी हताश करती आमको बहुत कष्ट लगुच बहुत दुख लगुच आम कौन करूँ आज्ञा से साहस बांधिक बस नाय ना जाए सहित पूरा आशावादी निश्चय पाइबे अधिकार लड़े आपे कौन कह सर आम प्रकृत घर भांगी जाए सर आम 95,100 आमको मिलगले आम बहुत खुशी हूँ आम पाइबा भी आशा आप 95,000 टाँग आसी आपड़े फेरा ना सर आम पैसा पाइन के लड़ी जारी आगे जो पर्यटन न्याय न मिले 95,100 नमक न दिखाई बस ये न्याय लड़ई एवं ये माउसी सांघातिक अभियोग आणुंच 95,100 टंका से अकाउंट को आसीनी हक आउ अधिकार घर भांगी जा 2019 मे मस फनी आसला अढ़े वर्ष हो गला घर मिलनी अनुरोध करुच्ची सीप्त सपन कुमार नंद जदि आपत संवेदनशील थे टिके तो राजधर्म पालन करूँ ना आप दलय कर्मी हो जाती आपण कौन शासक दल कर्मी भाव काम ये परिवार प्रति टिके राजधर्म पालन करूँ एम को दुख बुझु एमने अधिकार लड़े करुक्त रुद्र महारथी आपण यंग अच्छा आपण एवं नवनिर्वाचित विधायक आपण एम दुख कष्ट बुझिकी आम आशा करूँ आप तुरंत ये आसबे और आम जेपर्यंत एमने हक आउ अधिकार लड़े लड़ुं अर्गस सहित अच्छी आम प्रतिदिन ए खबर देखेबू कारण आमपाई ए खबर सबुठ बड़ गुरुत्वपूर्ण कारण ए गरीब लोक जो मैंने विकास श्रेणीर शेष सोपान मनीष से माने हक आउ अधिकार लड़े करड़ईरे अर्गस सामिल होती राति 11:00 मुँ आसली एठिकी तहसिल अफिश्रे एम सहित ड़ा हाँपाई एम स्वर को पहुँचवापी जे बारंबार एम मुख्यमंत्री ग्रीभांस सेल को जिलापा पाखक जा तहसिलदार यहाँ कौन मुंड चढ़नी बोली ये गरीब बोली आपड़ जहाँ पारि कथा कहीदे आने चुप रे सहित अर्गस अच्छी ये लड़ई तक लड़ईरे शेष पर्यंत सामिल हे एक बोध हुए रुद्र महारथी पाखे पहुँची थी साहस जुटे पारे फोन कॉल रिसीव करिवार फोन स्विच ऑफ कर देले किंतु आम आशा करुछु जे आपण आसंतु देखंतु एवं तहसीलदार आपण महोदय सपन कुमार नंद आपण नियंतु एक्शन एवं आमे काली ग्राउंड रु देखेबू जे ए भौणीर घर कौन सत ए कागज
ना सत ତାଙ୍କ ଘର ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ଏ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଖେଳ ସେଥିରେ ସତ କ'ଣ ଆମେ କାଲି ଦେଖେଇବୁ ଏବଂ ଅର୍ଗସ୍ ଏ ପରିବାର ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଫନି ପ୍ରତାରିତଙ୍କ କହ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଇଏ ମାଉସୀକୁ ଏବଂ ଇଏ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।